सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन के शिकायत का निराकरण करने के लिए शिकायतकर्ता वकील को तहसीलदार ने थप्पड़ मारने की धमकी दी है। इस दौरान कलेक्टर भी मौजूद रहे। इससे नाराज वकीलों ने तहसील कार्यालय का घेराव भी किया है। साथ ही साथ तहसीलदार को हटाने की भी मांग की गई है। हालांकि कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। जानकारी के मुताबिक डुढ़ार के वकील राम पदार्थ द्विवेदी ने आरोप लगाया कि विगत दिनों वे अपने ही परिवार का नामांतरण का आवेदन तहसील में प्रस्तुत किया था, जिसका विधि मामला उनके पक्ष में आने के बाद भी तहसीलदार ने 15,000 रुपए की मांग की। पैसा नहीं देने पर मामला प्रकरण खारिज कर दिया गया, जिसे आहत वकीलों ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दी, जिसके निराकरण के लिए राम पदार्थ को बुढ़ार तहसील बुलाया गया, जहां तहसीलदार और फरियादी वकील के बीच विवाद होने लगा, जिसके बाद गुस्से में आकर तहसीलदार ने फरियादी वकील को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। एक नामांतरण का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर विधिक रूप से वो मेरे फेवर में होने के बावजूद भी मीनाक्षी बंजारे तहसीलदार को पैसा नहीं दिया। 15,000 रुपए मेरे से मांगी थी और मैं पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा प्रकरण खारिज कर दी थी। उसके पश्चात मैंने सीएम हेल्पलाइन में उसका शिकायत किया। आज मुझे फोन के द्वारा ये बताया गया कि आज कलेक्टर मैडम आएगी और आपके सीएम हेल्पलाइन का निराकरण किया जाएगा। तो जैसे ही मैं अपने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के संबंध में कलेक्टर मैडम को बताने लगा, और जैसे ही ये बताया कि ये मुझसे 15,000 रुपए मांग रही थी और नहीं देने पर मेरा प्रकरण खारिज कर दी, तो अचानक मीनाक्षी बंजारे हुए कहने लगी कि मैं तुमको दो थप्पड़ लगाऊंगी, जिसकी साक्षी माननीय कलेक्टर महोदय भी थी, उनके सामने की घटना हुई, जिस पर मैं इस तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही किया जाना चाहिए। और ये हरदम वकीलों के साथ अभद्रता करती है, वकीलों को बर्दाश्त नहीं करती। इनमें इनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की, और ना ही अगर किसी ने की है तो ये इस तरह का इन्होंने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया है कि इनसे किसने पैसे की मांग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।